Okay, hey guys, welcome back to my channel. I know मैं बहुत बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ एंड इट्स जस्ट बिकॉज हम लोग घर मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं। हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे और बहुत सारी चीजें हो रही थी। एक साल के बाद मुझे फाइनली ये खूबसूरत सा घर मिला है जिसका होम टूर इफ यू वांट आई कैन गिव इट टू यू, क्योंकि पूरा मैं लिटरली एक साल तक घर शिफ्ट की हूँ। पहले मैं कहीं और सचिन के यहाँ रहती थी, फिर मैं एक और फ्रेंड के यहाँ रहती थी, फिर मैं ऋषभ के यहाँ रहती थी, फिर 3 महीने में कहीं और रहती थी, 3 महीने कहीं और रहती थी। फाइनली ये घर अपना जैसा लग रहा है और दिस इज माई क्यूट लिटिल स्पॉट। सो आई थॉट आई एम गोना मेक अ वीडियो टुडे। दिस वीडियो वॉज स्पेशली रिक्वेस्टेड बाई अ फैन, सो आई वॉज लाइक किसी फैन ने मांगा है तो आई शुड डू इट। ऑल्सो मुझे प्रैंक्स करने में बहुत मज़ा आता है, तो मैंने प्रैंक्स करना काफ़ी दिनों से छोड़ दिया है क्योंकि इतने मैं प्रैंक्स कर चुकी हूँ ना कि मैं कुछ भी करती हूँ लोगों को लगता है प्रैंक है, तो मेरे इमोशंस की वैल्यू खत्म हो चुकी है गाइस। अगर मैं सच्ची में बेहोश हो जाऊँगी ना, मुझे नहीं लगता कोई बचा नहीं आएगा। मैं सच्ची में रो रही हूँगी, मुझे नहीं लगता कोई मुझे चुप कराने आएगा क्योंकि उनको लगेगा कि तो प्रैंक कर रही है। तो मेरी इज्जत की नीलामी हो चुकी है गाइज, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है किसी की लाइफ में। बट मैंने ये प्रैंक किया, इसके बाद ऋषभ और मेरा 1 घंटे तक झगड़ा हुआ है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता मैं आगे प्रैंक्स कर पाऊंगी क्योंकि मुझे दोस्ती प्यारी है गाइज। जिस सबसे लगा कि उसका फन रिएक्शन होगा या कुछ तो हड़बड़ाएगा, बट वो बहुत ज़्यादा नम हो गया एंड आई फेल्ट रियली रियली बैड। पहले तो मुझे हंसी आ गई क्योंकि मैं उससे प्रैंक नहीं कर सकती यार, बहुत समझदार है काफ़ी, मतलब वो समझ जाता है कि मैं क्या करती हूँ, मेरे हर मूड का उसको पता होता है, तो मेरी हंसी छूट गई। बट फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा रोने का बहाना करती हूँ तो उसको लगेगा कि मैं शायद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, तो इसकी वजह से मैं फिर एक्ट किया, मैं बेहोश हो गई हूँ। फिर आपको मैं अपडेट दे दूँ कि कल का जो दिन था, वी वर सपोज टू गो फॉर एन इवेंट, बट ऋषभ जी ने इतना लेट कर दिया कि इवेंट ही ख़त्म हो गया, तो उसकी वजह से हमारा मूड और इवेंट जो था 1 घंटा दूर था, 1.5 घंटा दूर था। तो हम 1.5 घंटा ड्राइव करके गए, वहाँ हमें पता चला इवेंट ख़त्म हो चुका है, फिर हम 1.5 घंटा ड्राइव करके वापस आए, तो हमारे मूड की वैसी बैंड बजी हुई थी। मैंने मिश्रा कालरा वो हो चुकी है बहुत ज्यादा रेडी और 1 घंटे से रेडी है। आई थिंक आई एम द वन जो हर बार लेट करता है रेडी होने में। अब गाली दे देंगे आपका, कसम से बता रहे हैं। ज्यादा लेट हो गया क्या? हाय गाइस, कुछ बोलो। अच्छा हम लोग नहीं कंट्रोल, और अभी अगर ये 5 मिनट नहीं निकला मैं इसका मर्डर भी कर सकती हूँ भाई। किसने बोल दिया लड़कियां टाइम लगाती है यार? यार मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, रेडी नहीं होते, बट रेडी हो तुम, प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़का है। प्रॉब्लम नहीं है, तुम प्रॉब्लम हो। और बेइज्जती कर रहे तुम्हारी ब्लॉग पे। देखो बात ऐसी है भाई कि हम 5 मिनट लेते हैं रेडी होने में, रेडी होने के लिए उठते थोड़ा लेट में, दैट्स द थिंग। तो गाइस लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे देना चाहती हूँ, जो मैं इससे चिड़चिड़ कर रही थी और मैं कह रही थी बहुत ज्यादा लेट हो गया। हम इतना लेट पहुंचे, इवेंट वालों ने पैकअप कर लिया और हम लिटरली 1.5 घंटा ड्राइव करके पहुंचे हैं। अब हम वापस 1 घंटा ड्राइव करके घर जा रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल मैन हु डजंट एक्सेप्ट दैट ही इज रॉन्ग। अब इसका मूड ठीक करने के लिए हम जा रहे हैं बैंड्रा खाने मियाज, ताकि ये जो आदमी फेल हो गया है अभी, बिल्कुल फेल, सिस्टम फेल हो गया इसका, वो ठीक हो जाए। Any words? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। Really upset right now. देखते हैं हम आज रात इनका मूड ठीक कर सकते हैं कि नहीं, कर पाएंगे या नहीं। थोड़ा मुश्किल है गाइस क्योंकि इनको बहुत जोर से सदमा लगा है। वहाँ पहुंचे और बोला कि सर इवेंट तो खत्म हो गया सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। इससे पहले कि ये मेरा मर्डर कर दे या मुझे 4 चाटे मार दे, जबकि मेरी गलती भी नहीं है, तो मैं रख देती हूँ कैमरा और मैं आपको बताती रहूँगी गाइस कि क्या आगे होगा, क्या ऋषभ जायसवाल का मूड ठीक होगा या और खराब होने वाला है। गाइज लेटेस्ट अपडेट ये है कि सर अपना मूड खुद ही ठीक करना जानते हैं और वो कह रहे हैं कि जब वो शुगर खाते हैं उनका मूड ठीक हो जाता है, तो 2 चॉकलेट के डब्बे ले आएंगे, चॉकलेट केक अभी खाएंगे और मस्त हो जाएंगे। वैसे ये ना एक और बात से बहुत खुश हो जाते हैं,
तो हमने अभी आधा घंटा थाईलैंड के बारे में बातें की है। एक्टिंग मत कर साला एक्टर, को क्या खिला दिया है कि वापस इसका टीटा टू टू चालू हो गया। कैसा है रेडियो? पादरी हो गया इसमें यार, चिकन चकीजी खा के पाद मार रही है यार। यार चिकन चकीजी राजेश नहीं हुआ क्या? पादू की बात मत कर, खुद पाद के दूसरों पे ब्लेम करने वाले। आप कहा मम्मी कसम पादे हो तुम? हम मम्मी कसम नहीं पादे, हम मम्मी कसम कहते हम नहीं पादे चुड़ैल। बाहर से आ रहा होगा मच्छी मारे का, मच्छी तो खाया नहीं चिकन चंगेजी का पाद। हम तो नहीं दिए, तो मम्मी कसम भी खाया। मम्मी कसम झूठी नहीं खाते, हम तो ना पहले झूठी कसम खाते थे, मैं से कर लेते थे ऐसे कसम से यार। करते थे पाँव में करते थे क्या? और कभी सामने वाला उंगली में देख लो तो हम पाँव से कर लेते थे। आएगा बोल 10 सितंबर चुप कर यार, कैसे झेलूं मैं इसको। बुराएगी चिकन चंगेजी खाने आएगी बोल। आई हुई आई चिकन आई 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 पान दुख के बाद कर। और फिर हम लोग जिम गए, तो जिम में थोड़ा हैवी वर्कआउट हो गया। फिर हम लोग बॉक्सिंग कर रहे थे तो मुझे यहाँ लग उसके हाथ से लग गई, तो मैं ऑलरेडी अपसेट थी और मैं जिम में रो वो दी थी। फिर मैं बहुत ज़्यादा मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई, तो मुझे लगा था ये रात ना सही है जब मैं प्रैंक कर सकती हूँ और ये प्रैंक हो भी जाएगा सही में। सांस लो, सांस लो। क्या हुआ? बस क्या कर रही हो? अबू, अबू, साले इतने छोटे मारूंगा। तो बहुत सारी चीजें हुई बट उसने कैमरा देख लिया। मैं इतनी बड़ी गधी हूँ, कैमरा मैं कहीं और नहीं लगा सकती थी। मतलब स्टूपिडिटी की ना लेवल पार कर चुकी हूँ मैं। अगर गधों का अवार्ड मिला जाएगा तो सबसे पहला नंबर इस श्रेया का आएगा। वाओ इट राइम्स। मैंने प्रैंक किया और फिर मैंने बहुत गाली खाई गाइस। और मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसे मैं काम क्यों करती हूँ गाली खाने वाले, बट मुझे मजा आता है। एंड आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मैं और क्या प्रैंक करूं। ये वाले प्रैंक के बाद तो वो अभी भी अपसेट, अभी तो अपसेट नहीं है वो, बट कल काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। ही वॉज लाइक कि मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी। एंड देन ही वॉज लाइक कि अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता तो तुम्हारा रिएक्शन मुझे नहीं पता क्या होता, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रैंक नहीं की जाती हैं क्योंकि घबरा जाता है इंसान। एंड आई फील दैट मैंने बहुत गलती की है गाइस, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं कसम से 26 साल की होके ना फिर भी डिसअपॉइंटमेंट ही हूँ। जैसे उम्र बढ़ती जा रही है खुद से डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती जा रही है मेरी। बट मुझे काफ़ी मज़ा आया, मतलब इतना मज़ा तो नहीं आया बट शायद आप लोग को ये वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आए।
आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा, बट प्लीज अगर आया तो आप इस वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आप इस पे पैसा देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं दूसरा प्रैंक कर सकूँ, क्योंकि कुत्ते की धूम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है गाइस, सीधी नहीं होती, और मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी कुतिया हूँ, सर्टिफाइड कुतिया। मैंने उस पे प्रैंक किया तो उसका मूड, मुझे लगा कि शायद थोड़ा मूड लाइटन अप हो जाएगा, बट मूड की और बैंड बज गई गाइस। तो इससे हम पता क्या सीखते हैं इस चीज़ से, कि जो कमज़ोर दिल वाले हैं उनके साथ मजाक ना ही करें। फालतू बातें मत करो और फालतू हरकतें छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तुम्हें प्रैंक कैसा लगा मेरा? बहुत ही गंदा वाहियात, एक नंबर का बकवास। क्या वो सक्सेसफुल था? बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं था। झूठ मत बोलो, फट गई थी तुम्हारी। फट गई थी बट कैमरा दिख गया आपको, ठीक है? तो वो देर के बाद दिखा ना, तो पहले 5 सेकंड में तो नहीं पता चल गया। तो किसी की फट जाएगी, ठीक है? इसमें कोई ऐसा बहुत प्रैंक चीज नहीं। दिस इज नॉट फनी। अच्छा मतलब यू डोंट केयर फॉर मी। दिस इज नॉट फनी। यू डिडंट केयर। हम कह रहे किसी की भी फट जाएगी, अगर हम भी ऐसे कहेंगे हमें सांस नहीं लिया जा रहा है ना, तुम्हारी भी फट ही जाएगी, सबकी फट जाती है, ठीक है? फालतू बात करती है। मतलब तुम्हें केयर नहीं थी मेरी? केयर क्या होता है यार, इंसानियत के नाते किसी को भी लगेगा ना यार कि सामने वाला बेहोश हो गया। किसी को भी, हम किसी को हो गए। साले को बम से उड़ा दूं। इसी को मतलब कैसे यार डाल रही है? नहीं है स्पेशल। अरे जाओ यार जाओ। नहीं बताओ, करना ही नहीं, बात ही नहीं करना यार। कैमरे के आगे हमें बात ही नहीं करना है यार। तो किधर बात करोगे तुम? बात ही नहीं करना यार। नहीं हम तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं है, बोलो। नहीं कौन कहा स्पेशल हो? तो मतलब हम एक और बार बेहोश, असली में बेहोश हो जाएंगे तो तुम हमें नहीं बचाओगे? मेरे घर के बाहर का जो भिखारी भी बेहोश होगा उसको हॉस्पिटल छोड़ के आएंगे, मेरा नेचर है। अच्छा मतलब मुझे उस भिखारी से कंपेयर कर दो। कंपेयर क्या, ये कौन सी बात है यार, भिखारी इंसान नहीं है तुम भी? वो इंसान है बट हम स्पेशल इंसान है ना, तुम्हारी जिंदगी सब स्पेशल है यार, सब स्पेशल है। ठीक है बेटा, ठीक है, कर लो कर लो, तुम कर लो। हटो यार, हमें डिस्टर्ब मत करो, हटो। चलो हाँ भाई बहुत स्पेशल हो भाई। हाँ भाई बहुत स्पेशल हो। हाँ भाई बहुत स्पेशल। चलो और आइंदा ये सब बकवास हरकत की घर के बाहर हम तुम जाओ जाओ, घंटी भी बज गया।